हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं फिर एक न्यू रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आमों का सीज़न आ गया है और यह देखिए हमारे पेड़ में बहुत सारे आम हैं। आज मैं बनाने वाली हूँ आम की चटनी, जिसे कई जगह पर केरी की चटनी भी कहते हैं। यहाँ से मैंने 2 से 3 आम ले लिए हैं। मैंने जो आम लिया था उसे मैंने 2 से 3 बार पहले वॉश कर लिया। उसके बाद मैंने इसे 10 से 15 मिनट और पानी में रख करके छोड़ दिया। अब हम आम के ऊपरी भागों को कट करेंगे और इसके छिलके को हम निकाल लेंगे। हमारा जो छिलका है वो अच्छी तरीके से निकल गया। इसी तरीके से मैंने दोनों आम के छिलकों को निकाल लिया। अब हम इसे बीज से कट करेंगे और इनके बीजों को हम निकाल लेंगे। यह आम अभी छोटा है, इसीलिए इसके बीज भी अभी क्या है, छोटे हैं। अगर ये आम थोड़े बड़े होते तो इसे कट करने में हमें थोड़ी दिक्कत आती। अब एक बाउल लेंगे, उसमें मैंने आम को छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया है। बाउल में मैंने पानी भी डाला है ताकि हमारे आम जो है वो काले ना पड़े। हमारे सारे आम कट हो गए हैं। मैंने इसे छोटे छोटे शेप में कट किया है ताकि ये मिक्सर के जार में अच्छी तरीके से पिस सके। यहाँ पर मैंने 2 से 3 बार फिर से आम को वॉश किया था और इसे सूखे कपड़े में मैंने सूखने के लिए रख दिया था। मैंने यहाँ पर 8 से 10 कलियाँ लहसुन के और 4 मैंने यहाँ पर खड़े लाल मिर्च लिए हैं। मेरा जो यहाँ पर मिर्च है वो थोड़ा तीखा है, अगर आप कम तीखा खाते हैं तो मिर्च की क्वांटिटी भी कम कर सकते हैं। अब मैंने जो आम को सूखने के लिए रखा था अब उसे हम मिक्सी के जार में रखेंगे और जो हमारा खड़ा लाल मिर्च है उसके पीछे के भाग को हम निकाल कर इसे भी हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। मैंने यहाँ पर लहसुन भी इसमें डाल दिया है। यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच यहाँ पर मैंने चाट मसाला डाला है। हम यहाँ पर सरसों का तेल का यूज़ करेंगे क्योंकि इससे जो हमारी चटनी है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। बस अब हम इसे पीस लेंगे। हमारा जो चटनी है वो बहुत ही स्मूथ और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी और चटपटा लगता है। यह देखिए बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आया है ये चटनी हमारा। अगर हम इसे शीशे की जार में स्टोर करके रखेंगे तो यह इजली 10 से 15 दिन तक स्टोर हो सकता है। यह बहुत ही झटपट बनने वाला रेसिपी है, इसे आप घर पर ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें। और अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।